हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स ए टू जेड। इस चैनल में हम लोग करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो था फरवरी मंथ के करेंट अफेयर रिलेटेड सेकंड वीडियो। जबकि फरवरी मंथ एंड हो गया है और हम मार्च मंथ में एंटर करने वाले हैं, फिर भी मुझे लगा कि फरवरी मंथ के कुछ करेंट अफेयर्स ऐसे रह गए हैं जिनको हमने कवर नहीं किया। इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने एक और वीडियो लाया है और उस वीडियो में मैंने ये शाउट आउट भी दिया था कि शायद फरवरी मंथ के करेंट अफेयर रिलेटेड एक और वीडियो आ सकता है। इसीलिए आप लोगों को मैंने जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस पूरा करने के लिए मैंने ये वीडियो लाया है। इसमें फरवरी मंथ के करेंट अफेयर रिलेटेड जो भी बचे कुचे सवाल है वो सभी लगभग मैंने फिलअप करने की कोशिश किया। तो चलिए इंट्रो को और न लंबा करते हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इनॉगरेटेड अ ट्रम बॉगी रिसेंटली। कौन से शहर में हाल ही में एक ट्रम बॉगी का उद्घाटन हुआ है? इसका आंसर है मुंबई। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं, बीएमसी इनॉगरेटेड अ ट्रम बॉगी एट बटिया बाग नियर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के ठीक बगल में ही भाटिया बाग में बीएमसी ने एक ट्रम बगी का उद्घाटन किया है। द सेकेंड क्वेश्चन इज, विच सिटी स्टार्टेड माझी वसुंधरा अभियान। कौन सी सिटी में माझी वसुंधरा अभियान का शुरुआत हुआ है? इसका आंसर है मुंबई। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं, माझी वसुंधरा लॉन्च्ड मुंबईज बिगेस्ट सिटी वाइड सस्टेनेबल क्लीनअप मूवमेंट, अपनी मुंबई स्वच्छ मुंबई। माझी वसुंधरा ने पूरे मुंबई शहर को एक प्राकृतिक तरीके से जो कि बहुत दिनों तक चलने वाली है, इसका उपयोग करते हुए पूरे सिटी को क्लीनअप करने का एक जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया है और इसका टैगलाइन है अपनी मुंबई स्वच्छ मुंबई। Which Indian IAS officer and former TRAI chief died on 23rd February? 23rd February को कौन से Indian IAS officer और former TRAI chief की देहांत हो गई है? इसका आंसर है राहुल खुल्लर। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं, former chairman of the Telecom Regulatory Authority of India TRAI, TRAI की former chairman रह चुके जिसको Telecom Regulatory Authority of India भी कहा जाता है राहुल खुल्लर passed away Tuesday morning following a long illness। एक बहुत अरसे तक लंबी बीमारी झेलने के बाद Tuesday morning को उनकी देहांत हो गई है। The fourth question is, which smart card has been launched by ICICI Bank recently? ICICI Bank ने recently कौन से smart card का launch किया है? इसका answer है Namma Chennai smart card। इसके साथ notes कुछ इस तरह से हैं, The Namma Chennai smart card has various features। smart card में बहुत सारे features हैं, which residents can manage seamlessly online on a dedicated customer portal। एक dedicated customer portal के जरिए जो इसके उपभोक्ता इसे बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। दिस इंक्लूड्स फीचर्स लाइक कार्ड ब्लॉक, अनब्लॉक, एक्टिवेशन, पिन रीसेट एटसेट्रा। इसमें कार्ड ब्लॉक, अनब्लॉक, एक्टिवेशन और पिन रीसेट जैसे फीचर्स भी इंक्लूड हैं। द फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हिच इज द इंडियाज फर्स्ट मेट्रो टू यूज यूवी रेज टू सैनिटाइज ट्रेन कोचेस। इंडिया की कौन सी वो पहली मेट्रो होगी जो यूवी रेज का इस्तेमाल करते हुए अपने कोचेस को सैनिटाइज करेगी? इसका आंसर है लखनऊ मेट्रो। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं, लखनऊ मेट्रो सेट्स अ रिकॉर्ड एज इट बिकम्स द फर्स्ट मेट्रो प्रोजेक्ट इन इंडिया दैट इज यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज टू सैनिटाइज ट्रेन कोचेस। लखनऊ मेट्रो पूरे इंडिया में ये रिकॉर्ड बनाया है क्योंकि वो पहली मेट्रो प्रोजेक्ट होगी ऐसी जो अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल करते हुए ट्रेन के कोचेस को सैनिटाइज करेगी। The sixth question is, which state launched Carbon Watch app recently? हाल ही में कौन से स्टेट ने Carbon Watch app का लॉन्च किया है? इसका आंसर है चंडीगढ़। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं, चंडीगढ़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू लॉन्च Carbon Watch app। चंडीगढ़ इंडिया की पहली स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी बनी है जिसने सबसे पहली बार Carbon Watch app लॉन्च किया है। A mobile application to access the carbon footprint of an individual. ये किसी भी इंसान का carbon footprint watch कर सकता है। Although the app can be accessed by everyone. जबकि ये app सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। The seventh question is, Inland Waterways Authority of India has signed a MOU with which group?
कौन से ग्रुप के साथ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मो साइन किया है? इसका आंसर है एमओएल, एशिया ओशियानिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलपीजी थ्रू बार्जेस ऑन नेशनल वाटरवेज 1 एंड नेशनल वाटरवेज 2, नेशनल वाटरवेज 1 और नेशनल वाटरवेज 2 के थ्रू जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है एलपीजी उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए एंड मो हैज बीन साइंड बिटवीन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड एमओएल एशिया ओशियानिया प्राइवेट लिमिटेड। उसी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एमओएल एशिया ओशियानिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक मो साइन हुआ। द 8th क्वेश्चन इज हाउ मेनी कंपनी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2020? नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 के लिए किन कंपनीज को सिलेक्ट किए गए हैं? इसका आंसर है 12 कंपनीज। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। अ टोटल ऑफ 12 कंपनीज हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 फॉर कमर्शियलाइजेशन ऑफ सक्सेसफुल कमर्शियलाइजेशन ऑफ इनोवेटिव इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज। नए नए स्वदेशी जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका कहाँ तक सक्सेसफुल कमर्शियलाइजेशन हुआ है या फिर कॉमर्शियलाइजेशन हुआ है इसको देखते हुए इन 12 कंपनीज को सिलेक्ट किया गया है। दे हैव बीन सिलेक्टेड अंडर 3 कैटेगरीज। इनको 3 कैटेगरीज में सिलेक्ट किया गया है। इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज मतलब जो स्वदेशी टेक्नोलॉजीज है उसके थ्रू एमएसएमई एंड स्टार्टअप। द 9th क्वेश्चन इज हु इज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लिवाइस कंपनी। लिवाइस कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इसका आंसर है दीपिका पादुकोण। The 10th question is, which Indian cricket stadium has been renamed recently? Recently, कौन से Indian cricket stadium का नाम बदल दिया गया है? इसका answer है, सरदार वल्लभ भाई पटेल stadium, जिसको मोतेरा stadium भी कहा जाता है। इसके साथ notes हैं, and it is renamed as Narendra Modi cricket stadium, और नाम बदलकर इसका नाम कर दिया गया है, Narendra Modi cricket stadium. The 11th question is, When we celebrate Central Excise Day 2021 की केंद्रीय शुल्क दिवस हम कब मनाए हैं? इसका आंसर है 24th February. इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। It is observed on 24th February every year to commemorate the Central Excise and Salt Act which was enacted on 24th February 1944. हर साल 24th February को ये ऑब्जर्व किया जाता है जो स्वदेशी शुल्क था वो दिवस और जो सॉल्ट एक्ट था वो दिवस जबकि वो 1944 के 24 फरवरी को लागू हुआ था। द 12th क्वेश्चन इज वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इनॉग्रेटेड रिसेंटली। कहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है हाल ही में? इसका आंसर है अहमदाबाद। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम एट मोतेरा इन अहमदाबाद। अहमदाबाद के मोतेरा में हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है टू बी कॉल्ड नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम और इसको नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहा जाएगा। द 13th क्वेश्चन इज रिसेंटली Which state or UT come under president rule? हाल ही में कौन सी यूनियन टेरिटरी को राष्ट्रपति शासन के अंडर लाया गया था? इसका आंसर है पुडुचेरी। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। In Puducherry, the chief minister has resigned and nobody has claimed to form the government and therefore the lieutenant governor has recommended suspending the 14th assembly and this was the reason of president rule. हाल ही में पुडुचेरी में जब चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था और कोई भी पार्टी आगे आकर गवर्नमेंट क्रिएट करने के बारे में कोई भी दावा नहीं किया था तब वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने 14th assembly को सस्पेंड करते हुए वहां पे राष्ट्रपति शासन का घोषणा कर दिया। The 14th question is, from where DRDO successfully launched VL Sarsam missile recently? DRDO ने कहां से VL Sarsam missile का लॉन्च किया है? इसका आंसर है चंडीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, ओडिशा के चंडीपुर ऑफ कोस्ट में। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। The Defence Research and Development Organization conducted 2 successful launches of the Vertical Launch Short Range Surface-to-Air Missile VLSRSAM. The Defence Research and Development Organization ने हाल ही में एक Vertical Launch के थ्रू
दो मिसाइल्स का सक्सेसफुल लॉन्च किया है. द 15th क्वेश्चन इज ऑन 26 फरवरी विच क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट. कौन से भारतीय क्रिकेट प्लेयर ने 26 फरवरी को अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है. इसका आंसर है यूसुफ पठान. इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं. इंडियन ऑलराउंडर यूसुफ पठान अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल क्रिकेट ऑन फ्राइडे. हर क्षेत्र की क्रिकेट से यूसुफ पठान ने अपना रिटायरमेंट घोषणा किया है, जो कि इंडिया के लिए खेलने वाले एक ऑलराउंडर थे. पठान वॉज पार्ट ऑफ 2020 एंड 2011 50 ओवर वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड्स. यूसुफ पठान इंडिया के 2007 के T20 और 2011 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड्स का हिस्सा रहे थे. द 16th क्वेश्चन इज इन विच स्टेट बेगर फ्री स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड. कौन से स्टेट ने अपने शहर को बेगर फ्री बनाने का स्कीम लॉन्च किया है, मतलब भिक्षुक फ्री बनाने का बीड़ा उठाया है. इसका आंसर है राजस्थान. इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं. अ कैंपेन फॉर बेगर फ्री राजस्थान हैज बीन स्टार्टेड इन जयपुर. जयपुर सिटी में सबसे पहला ये कैंपेन जो है, जिसको बोलते हैं बेगर फ्री राजस्थान, ये चालू हुआ था. वेयर बेगर्स आर बीइंग रिहैबिलिटेटेड विद द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ राजस्थान स्किल एंड लिवलीहुड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड सोपन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट. जहाँ पे सोपन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के साथ मिलकर राजस्थान स्किल एंड लिवलीहुड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो सारे बेगर्स हैं उनको एक जिंदगी जीने का नया दिशा दिखाएंगी और उनको एक बहुत अच्छा काम सिखाएंगी. द 17th क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक. इंडिया का पहला एम्प्यूट क्लिनिक कहाँ पे लॉन्च होगा. इसका आंसर है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, अ प्रीमियर मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन चंडीगढ़. चंडीगढ़ की एक बहुत ही जानी मानी मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जिसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च. वही ये फर्स्ट क्लिनिक चालू करने वाली है. द 18th क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड गो इलेक्ट्रिक कैंपेन. किन्होंने गो इलेक्ट्रिक कैंपेन का उद्घाटन किया है. इसका आंसर है नितिन गडकरी. इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं. नितिन गडकरी यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अलोंग विद आरके सिंह द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्च द गो इलेक्ट्रिक कैंपेन टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द बेनिफिट ऑफ ई मोबिलिटी एंड ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज इलेक्ट्रिक कुकिंग इन इंडिया. इंडिया में ई मोबिलिटी, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक कुकिंग ये सब बढ़ावा देने के लिए ये गो इलेक्ट्रिक कैंपेन लॉन्च किया है. और इनको लॉन्च करने वाले हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी और आर के सिंह द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी. द 19th क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड नमक कार्गो सर्विस इन इंडिया. कौन से स्टेट ने इंडिया में नमक कार्गो सर्विस लॉन्च किया है. इसका आंसर है कर्नाटका. इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं. नमक कार्गो लॉन्च्ड सर्विस टू ऑपरेट इन 88 तालुक्स इन कर्नाटका. कर्नाटका के 88 तालुक्स में ये कार्गो फैसिलिटी जो है सर्विस वो सबसे पहले चालू किया जाएगा. द 20th क्वेश्चन इज विच सैटेलाइट इज लॉन्च्ड बाय इंडिया रिसेंटली. भारत ने हाल ही में कौन से सैटेलाइट का लॉन्च किया है. इसका आंसर है अमेजोनिया 1. इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं. ऑन 20th फरवरी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द ब्राजीलियन सैटेलाइट अमेजोनिया 1 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन आंध्र प्रदेश. 20th फरवरी को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ये अमेजोनिया 1 नाम का एक ब्राजीलियन सैटेलाइट सतीश धवन स्पेस सेंटर जो आंध्र प्रदेश में स्थित है वहां से लॉन्च किया है. 18 अदर को पैसेंजर सैटेलाइट्स वेयर ऑल्सो ऑन बोर्ड द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. इस पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ 18 अदर को पैसेंजर सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए गए हैं. दिस वॉज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस फर्स्ट मिशन ऑफ द ईयर 2021. 2021 का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इसरो का ये पहला मिशन है. द 21st क्वेश्चन इज व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ किंग्स इलेवन पंजाब. किंग्स इलेवन पंजाब की नई नाम क्या है. इसका आंसर है पंजाब किंग्स. इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं. किंग्स इलेवन पंजाब हैज़ फॉर्मली चेंज्ड इट्स नेम टू पंजाब किंग्स अहेड ऑफ द प्रीमियर लीग ऑक्शन. इंडियन प्रीमियर लीग
कि जो ऑक्शन है उसमें किंग्स इलेवन पंजाब ने इस साल अपना नाम बदलकर पंजाब किंग्स कर दिया है. द 22nd क्वेश्चन इज रिसेंटली इन विच सिटी काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड. हाल ही में कौन से शहर में काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मनाया गया है. इसका आंसर है मुंबई. इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं. द काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल ईच ईयर फॉर आर्ट फॉर्म लवर्स. आर्ट लवर्स के लिए काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल हर साल एक बहुत ही जानी मानी फेस्टिवल होती है. काला घोड़ा इज एन एनुअल एग्जीबिशन दैट सेलिब्रेट्स थिएटर म्यूजिक फिल्म्स कॉमेडी वर्ल्ड एंड मॉडर्न आर्ट. काला घोड़ा एक एनुअल एग्जीबिशन है जिसमें थिएटर म्यूजिक फिल्म कॉमेडी वर्ल्ड एंड मॉडर्न आर्ट को सेलिब्रेट किया जाता है. द आर्ट फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर इन मुंबई अट्रैक्ट्स एन इनॉर्मस नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम द सिटी एंड बियॉन्ड. ये हर साल मुंबई में होता है और इसमें मुंबई और शहर के बाहर से बहुत सारे लोग योगदान देते हैं. द 23rd क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट. कौन से स्टेट में इंडिया का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ है. इसका आंसर है केरला. इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं. गवर्नर ऑफ केरला आरएफ मोहम्मद खान has launched India's first digital university named Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology. Kerala ke governor Arif Mohammad Khan ne Bharat ke sabse pehla digital university ka udghatan kiya hai jiska naam hai Kerala University of Digital Science, Innovation and Technology. A digital university has been set up in Kerala's techno city Mangalapuram. Ye university Bharat ka jo Kerala ka techno city kaha jata hai Mangalapuram wahan pe sthit hai. The 24th question is who launches India's first CNG tractor. भारत की सबसे पहली CNG tractor का launch किन्होंने किया है. इसका answer है नितिन गडकरी. इसके साथ notes कुछ इस तरह से हैं. Union Minister for Road Transport and Highways, Micro, Small and Medium Enterprises, Nitin Gadkari and the Union Minister for Petroleum and Natural Gas and Steel, Dharmendra Pradhan launches India's first CNG tractor in New Delhi. न्यू दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज नितिन गडकरी ने और यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील धर्मेंद्र प्रधान ने मिलकर इस सीएनजी ट्रैक्टर का पहली बार लॉन्च किया है. द 25th क्वेश्चन इज व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ होशंगाबाद. होशंगाबाद का नया नाम क्या है. इसका आंसर है नर्मदापुरम. इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं. मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज अनाउंस्ड दैट होशंगाबाद सिटी इन द स्टेट वुड बी रीनेम्ड एज नर्मदापुरम एंड अ प्रपोजल टू दैट इफेक्ट वुड बी सेंट टू द सेंटर. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि होशंगाबाद सिटी का नाम बदलकर उसका नाम नर्मदापुरम किया जाएगा और इसी बारे में एक प्रस्ताव वो केंद्र के पास भी भेजेंगे. तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ इस तरह से था जिसमें हमने फेब्रुअरी मंथ के आखिर के जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स बच गए थे वो कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन आंसर्स थे. उसके बारे में हमने बात किया, डिस्कस कर लिया. अब फेब्रुअरी मंथ के करंट अफेयर रिलेटेड और कोई वीडियो तो नहीं आएगा. इसका नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मार्च मंथ के करंट अफेयर रिलेटेड वीडियो को हम कवर करेंगे. तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि करंट अफेयर्स रिलेटेड सारी बातें उनकी भी जानकारी में रहे. और अगर आप लोगों को मुझसे कोई भी बात करनी हो, कोई सवाल पूछना हो, कोई रिक्वेस्ट करना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगी. और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके पास जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए. बाय दोस्तों.